मित्रों, मैं सपना देख रहा हूं, मैं खुली आंख में सपने देखता हूं और सपनों को साकार करने का रास्ता भी तय करके चलने वाला व्यक्ति हूं। हमारा विस्तार में नदियों पर चेकडेम और डेम चेकडेम जेवा बंधो बंधाया छे, जेथी पानी नो संग्रह थाय अने भूगर्भ में उतरे, जेथी भविष्य में पानी नी समस्या ओछी थाय। इस बार हमने देखा है कि इतना इंटरेस्ट है गुजरात के लिए यहाँ बिजनेस करने के लिए कि कंपनीज अपने आप संगठन करके आ रही है। नरेंद्र मोदी की गुजरात में आप गवर्नेंस देखिए टॉप क्लास। ये दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा इस देश में यूनानिमसली डिक्लेयर कर दिया गया है कि सब बेस्ट एडमिनिस्ट्रेट स्टेट है गुजरात। हमारे नरेंद्र भाई मोदी प्रदेश के 14 मुख्यमंत्रियों में से सबसे अधिक स्थिरता यहाँ के शासन को दे सके हैं। There is only one person who has been taking a proactive stand against terrorism in India, and that is Narendra Modi. In course of time, I think the Chief Minister will find that he will not have to attract people to Gujarat. The question will be, you're stupid if you're not here. भारत एक सुपर पावर बनने की तरफ तेजी से बढ़ा है, लेकिन इस दौड़ में सिर्फ एक ही रुकावट है, आतंकवाद। दिल दहला देने वाला यह अघोषित युद्ध देश भर में भयानक तबाही मचा रहा है। मुंबई के झवेरी बाजार और गेटवे ऑफ इंडिया पर बम ब्लास्ट हुए, 46 लोग मारे गए, 160 घायल। अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर पर आत्मघाती दस्ते ने हमला बोला, कई लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में संजीवी एक्सप्रेस में धमाका, 10 मारे गए, 50 से ज्यादा घायल। दीपावली के दौरान दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट, 67 लोग मारे गए, 224 घायल। आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और ग्रेनेड फेंके, एक वैज्ञानिक की मौत और 5 घायल। सिलसिलेवार धमाकों में वाराणसी में 28 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल। आंकड़ों के मुताबिक सन 2006 में 1492 निर्दोष हिंदुस्तानी दहशत गर्दों के शिकार बन गए। किसी का भाई छीन लिया जाता है, किसी का लाडला छीन लिया जाता है, किसी बहन का सिंदूर पोंछ लिया जाता है, क्यों, कब तक? 11 जुलाई सन 2006 शाम के 6 बजे से 6:40 तक का समय मुंबई पर भारी पड़ा। लोकल ट्रेनों पर लगातार 7 अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट किए गए, तकरीबन 200 लोग मारे गए, 625 घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक इस हादसे को अंजाम दिया था लश्कर ए तोयबा और सिमी ने। हमने देखा है कि भी ऑफिशियल लैक्सिटी से और पब्लिक की लेक्सिटी से महाराष्ट्र में क्या हुआ, उसी टेररिज्म से। मुंबई धमाकों में शामिल सिम्मी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ने कई और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। सिम्मी पर जो चार्जशीट है, उस चार्जशीट में ये तमिल मुस्लिम मुन्नी कड़गम का नाम है, उसी पार्टी के साथ तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव समझौता किया और चुनाव लड़ा। आप आतंकवाद से लड़ सकते हो? दुनिया भर के कई देशों ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने अपने कानूनों को और भी सख्त कर दिया है, लेकिन यूपीए सरकार ने तो आतंकवाद के खिलाफ देश के सबसे मजबूत कानून पोटा को ही निरस्त कर दिया। एक काम करो, इस देश के सुरक्षा बल के जवान जिन्होंने इस भारत माँ की सेवा करते करते, जिन्होंने निर्दोष नागरिकों की सेवा करते करते अपने जान गंवाए हैं, उन शहीद परिवारों से सिर्फ वोटिंग करवा लीजिए और उनको पूछ लीजिए कि कोटा का कानून रहना चाहिए कि जाना चाहिए। अगर वो कह देते हैं तो फिर आपकी मर्जी, आप चला लीजिए। किसी भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस डॉक्ट्रिन नहीं बनाई। अगर जीरो टॉलरेंस अगर आज आप
सच्चे दिल से पूछें, जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म है सिर्फ गुजरात में है। देखिए, जब गुजरात में वो बड़ा इंसिडेंट हुआ था अक्षरधाम वाला, उसके बाद पुलिस बड़ी चौकस हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सेटअप जो है, और उनका एक लक्ष्य था कि टेररिस्ट को गुजरात में घुसने नहीं देना है। द ओनली पर्सन आई सी डूइंग दैट इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। I think Mr. Modi has the same nationalist streak in him than Mr. Putin. You know, he stands up for Indian value. He would stand up for India. He would stand up for the development of India. He would not allow any outside interference to come in the way of the development of India's nationality and psyche. आतंकवाद से निपटने का केवल एक ही तरीका है, political will, यानी आतंकवाद से जूझने की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। होम मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक सन 2003 से 2006 के दरमियान गुजरात में आतंकवाद से केवल एक ही व्यक्ति की मौत हुई। लेकिन हैरत की बात यह है कि देश का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग और कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट गुजरात की इस कामयाबी का जबरदस्त विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, टेररिस्ट को या जो भी टेररिस्ट को पनाह देने वाला हो, कि भाई ये 5-6 साल में उन्होंने ये क्लियर किया है कि देखिए सरकार इसमें आपको बख्शेगी नहीं। और ये सिग्नल देना सारी कंट्री में जरूरी है, और क्योंकि उसका सिग्नल इतना स्पष्ट है इसीलिए ये सब उसी को टारगेट कर रहे हैं। एक चीज को एक टेररिस्ट की व्यू पॉइंट से प्रेजेंट करना और उसको ट्रूथ समझना, और जो वर्जन पुलिस का हो या हुकूमत का हो उसको फॉल्स समझना, ये हमारी प्रेस की एक खास खूबी है। देश की सरहदों पर सरकार का ध्यान कम है, लिहाजा अब बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तानियों की जमीनें खरीद रहे हैं। दे आर सेलिंग देयर प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी टू दिस बांग्लादेशी मुस्लिम्स, एंड व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट यूज दे आर पुटिंग टू दिस लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, दे आर ग्रोइंग नार्कोटिक्स। Gaja is extensively cultivated in Nodia district. Even by the national highway, the land by the national highway, they are cultivating acres after acres of Gaja. And that Gaja is exported to, via Bangladesh, to other countries. Now, the sale proceeds is again invested in gun running. Arms are brought from Bangladesh and these are dispatched to the northern West Bengal. तो मैंने वहां की जनसभा में कहा, मैंने कहा देखो भाई, आसाम के पड़ोस में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है, मेरी भी हालत आपके जैसी है, वो आपके पड़ोस में है, मेरे पड़ोस में ये बैठे हैं। मैंने कहा लेकिन फर्क थोड़ा सा है, आप उनके से कारण परेशान हो, मेरे कारण परेशान हो।